अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम जो डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ इनहिबिटर को, दो टाइप्स हैं मेन हमारे पास, इरिवर्सिबल इनहिबिटर और रिवर्सिबल इनहिबिटर। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि इरिवर्सिबल उस चीज़ को कहते हैं जो अपनी असली हालत में दोबारा नहीं आ सकती, रिवर्सिबल जो अपनी असली हालत में दोबारा आ सकती है। इरिवर्सिबल इनहिबिटर को देखते हैं, कहते हैं दे इनहिबिट द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन बाय ऑक्युपाइंग द एक्टिव साइट और बाय डिस्ट्रॉइंग द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर और बाय डिस्ट्रॉइंग द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। कहते हैं, वो कह रहा है जी ये वो इनहिबिटर हैं जो या तो एक्टिव साइट पर आकर बहुत स्ट्रांगली जुड़ जाते हैं या आते ही एंजाइम के स्ट्रक्चर को तोड़ देते हैं। ठीक है, दे ऑक्युपाई द एक्टिव साइट साइट बाय फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड। मैंने स्टार्ट में आपको बताया था इस चैप्टर के कि बायो के अंदर कोवलेंट बॉन्ड को खासा स्ट्रांग माना जाता है। ठीक है, तो कहता है दे इनहिबिट द रेट ऑफ रिएक्शन, इरिवर्सिबल इनहिबिटर वो हैं जो रिएक्शन को रोकते हैं, कैसे, एक्टिव साइट पे आके लग जाते हैं या स्ट्रक्चर को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एंजाइम के नाजुक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और कहते हैं अगर ये एक्टिव साइट पर आकर लगते हैं ना तो कमजोर लिंकेज नहीं बनाते, बहुत स्ट्रांग लिंकेज बनाते हैं। जबकि दूसरी साइड पर आ जाए, कहता है दे फॉर्म वीक लिंकेज विद द एक्टिव साइट। कहते हैं वो तो कोवलेंट लिंकेज बना रहे थे ना, स्ट्रांग लिंकेज, जबकि रिवर्सिबल इनहिबिटर बहुत वीक लिंकेज बनाता है, ज़्यादा स्ट्रांग लिंकेज नहीं बनाता। ठीक है, कहते हैं देयर अफेक्ट कैन नॉट बी न्यूट्रलाइज्ड। कहता है इनके अफेक्ट को ख़त्म नहीं किया जा सकता, यानी एक बार ये लग गया तो एंजाइम का काम तमाम है, बस उसके बाद आपके पास कोई चांस नहीं है एंजाइम को रिकवर करने का। जबकि रिवर्सिबल इनहिबिटर में कहता है देयर अफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड, देयर अफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय इंक्रीज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। कहते हैं अगर आप सबस्ट्रेट को बढ़ा देंगे ना, सबस्ट्रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो हो सकता है कि एंजाइम बेचारे को इससे छुटकारा मिल जाए, ज़्यादा सबस्ट्रेट आके इसे बाहर निकाल दें। ठीक है, लेकिन इसके अफेक्ट को आप न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते, इसके अफेक्ट को आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, नेम इंडिकेट करता है, यानी जिसके असर को वापस किया जा सकता है वो रिवर्सिबल है, जिसके असर को वापस नहीं किया जा सकता है वो क्या है, इरिवर्सिबल है। एक डिफरेंस मैं आपको और लिखवा सकता हूं अगर आप लोग लिखना चाहें, वो ये है दे ब्लॉक द एक्टिव साइट, हाँ जी, टेम्परेरी या परमानेंटली आप लोगों ने खुद बताना है, रिवर्सिबल टेम्परेरी करेंगे या परमानेंटली, बच्चों ने सोच लिया होगा रिवर्सिबल है असर वापस हो सकता है, तो इसका मतलब है दे ब्लॉक द एक्टिव साइट टेम्परेरीली। ठीक है, टेम्परेरीली ये आरजी तौर पर एक्टिव साइट को ब्लॉक करते हैं, जबकि इसके अंदर आप थर्ड डिफरेंस ये लिखेंगे दे ब्लॉक द एक्टिव साइट परमानेंटली, दे ब्लॉक द एक्टिव साइट परमानेंटली, जबकि ये एक्टिव साइट को क्या कर देते हैं जी, परमानेंटली ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल इनहिबिटर की आगे दो टाइप्स और हैं, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बच्चे इसका ना आप एक स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, उसके बाद मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आपने, ये इसी तरीके से लिखना है बुक पे ना, बच्चे इसका कंपैरिजन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसको जब पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है ना तो कुछ नहीं, कोई लाइन लिखी होती है, ये तीन डिफरेंस से आपने इसका कंपैरिजन करना है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, फिर मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ इनहिबिटर जहाँ तक हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अच्छा बच्चे,
हमने स्टार्ट किया था इनहिबिटर से, ठीक है। इनहिबिटर का लफ्जी मतलब होता है रोकने वाला, स्टॉप फैक्टर जो किसी चीज को रोकता है, नेगेटिव इफेक्ट रखता है, ठीक है। अच्छा बच्चे, इसकी मैंने डिफाइन कैसे की थी, मैंने ना चार लाइंस में इसकी डिफाइन की थी। मैंने कहा था दीज आर द केमिकल सब्सटेंस विच रिएक्ट विद द एंजाइम, कहता है ये वो केमिकल सब्सटेंस है जो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, दे रिएक्ट विद एंजाइम, एंजाइम के साथ रिएक्ट करते हैं, किसकी जगह पर रिएक्ट करते हैं, इन प्लेस ऑफ सब्सट्रेट। दीज आर द केमिकल सब्सटेंस दैट रिएक्ट विद द एंजाइम, ये वो केमिकल सब्सटेंस हैं जो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एंजाइम के साथ, किसकी जगह पर, इन प्लेस ऑफ सब्सट्रेट, सब्सट्रेट की जगह पर। लेकिन मसला ये है, वो बच्चे वाली एग्जांपल याद रखनी है कि बच्चे ना छोटे बच्चे जब वो क्रिकेट में लड़ाई हो जाए ना, या तो वो बैट लेके भाग जाते हैं अपना, या वो पिच पे लेट जाते हैं, कहते हैं कि ना तो खेलना है और ना ही खेलने देना है। ये भी बिल्कुल इसी तरीके से करता है, एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है, किसकी जगह पर, सब्सट्रेट की जगह पर। अब ना तो सब्सट्रेट को लगने दे रहा है, और अगली लाइन कहता है दीज आर द सब्सटेंस विच रिएक्ट विद एंजाइम इन प्लेस ऑफ सब्सट्रेट बट नॉट ट्रांसफॉर्म इन टू प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते, ना तो सब्सट्रेट को लगने देते हैं ना खुद प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। तो कहता है दस ब्लॉक द एक्टिव साइट टेम्परेरीली और परमानेंटली। तो कहता है इस तरीके से या तो एक्टिव साइट को आर्जी तौर पर या परमानेंटली क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। अब इस डिफाइन को मैं पूरा पढ़ देता हूँ। दीज आर द केमिकल सब्सटेंस विच रिएक्ट विद एंजाइम इन प्लेस ऑफ सब्सट्रेट बट नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट दस ब्लॉक द एक्टिव साइट टेम्परेरीली और परमानेंटली। एग्जाम्पल कौन कौन सी हमने कही थी, ज्यादातर जहर जैसे साइनाइड, ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरिया को मारने वाली एंटी मेटाबोलाइट्स जो मेटाबोलिज्म को स्लो करती हैं, वो भी एक इनहिबिटर के तौर पर काम करती हैं। इनहिबिटर की टाइप्स दो टाइप्स हैं जी, मेन दो टाइप्स हैं, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं, अगर एक दफ़ा वो रिएक्शन हो गया यानी दूध से दही बन गया तो दोबारा दही से दूध नहीं बन सकता। रिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जो दोबारा वापस हो सकते हैं, यानी पानी से किसका बनना, बर्फ़ का बनना, बर्फ से पानी का बनना, वो क्या है जी, रिवर्सिबल है। केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं आप। इसी तरीके से हमारे पास टाइप है इरिवर्सिबल इनहिबिटर एंड रिवर्सिबल इनहिबिटर। कहता है ये जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर हैं दे इनहिबिट द रेट ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन को इनहिबिट करते हैं बाय ऑक्यूपाइंग द एक्टिव साइट, एक्टिव साइट पर आकर लग जाते हैं बहुत स्ट्रांगली और डिस्ट्रॉइंग द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, या तो एंजाइम का काम ही तमाम कर देते हैं, स्ट्रक्चर ही तोड़ देते हैं। दे ऑक्यूपाई द एक्टिव साइट बाय फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड, और अगर लगे ना एक्टिव साइट पर तो बड़े स्ट्रांगली लगते हैं, जबकि रिवर्सिबल में कहता है दे फॉर्म वीक लिंकेज विद द एक्टिव साइट, ये एक्टिव साइट के साथ बहुत वीक लिंकेज बनाते हैं, कमजोर लिंकेज, इनके इफेक्ट को आप खत्म नहीं कर सकते क्योंकि ये रिवर्सिबल है, इनका असर खत्म नहीं हो सकता, ये रिवर्सिबल हैं, इनका असर क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है। देयर इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज, इनका इफेक्ट खत्म हो सकता है अगर आप ज़्यादा सब्सट्रेट ऐड कर देते हैं। अब आपको पता है ये रिवर्सिबल है, इनके असर को बैक किया जा सकता है, तो इनकी नेचर क्या होगी, टेम्परेरी, इन्हें आरजी तौर पर ब्लॉक करते हैं, बाद में इनके असर को खत्म भी किया जा सकता है, यानी ये एक्टिव साइट को परमानेंटली ब्लॉक नहीं करते, टेम्परेरी आरजी तौर पर ब्लॉक करते हैं, क्योंकि इसके असर को आप न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। ये एक दफ़ा आके लग गया तो एंजाइम का काम तमाम हो जाएगा, एंजाइम दोबारा रिकवर नहीं कर सकता, तो ये एक्टिव साइट को कैसे ब्लॉक करते हैं जी, परमानेंटली। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिवर्सिबल इनहिबिटर की फर्दर दो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।